हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपसे पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं डंकी और सलार की। ये जो क्लैश है ये अगली क्लैश में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत सी बातें हो चुकी हैं पीवीआर और आईनॉक्स के अगेंस्ट। ऑलरेडी नाराजगी जो है सलार के मेकर्स ने निकाल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इसको दुलार की तरह ट्रीट करना चाहिए था, बट अब ये वॉर हो चुकी है डंकी वर्सेज सलार। डंकी जो कि पहले ही एक डेट दे चुकी थी रिलीज़ के लिए करीबन 1.5-2 साल पहले, सलार का फ़र्ज़ बनता था कि हम भी बहुत बड़े हैं जैसे आप बहुत बड़े हो, तो मिल बैठ के मंडवाली करते हैं कि आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, किस दिन आ पाओगे। यूजुअली ऐसा होना चाहिए था, जो क्लियरली नज़र आ रहा है कि हुआ नहीं और अब डिशुम शुरू हो चुकी है। कौन जीतेगा समय बताएगा, बट कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं कि फाइनल डंकी के नंबर्स क्या दिख रहे हैं और सलार के नंबर्स क्या दिख रहे हैं। सलार के पास एक दिन और भी है अपनी एडवांस बुकिंग को कलेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत मैसिव लग रही है। ये तो बात क्लियर है कि डंकी से काफ़ी आगे चल रही है सलार। 8 करोड़ रुपये इंटरनेशनली करी है डंकी ने। जब मैंने आपको लास्ट रिपोर्ट किया था तो 10 करोड़ रुपये थे, अब 11 करोड़ रुपये की बुकिंग हो चुकी है। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि मैक्सिमम ये 17 करोड़ रुपए का बुकिंग लेगा ऐसा लग रहा है, 17 से 18 करोड़ रुपए, जिसमें 6 लाख टिकट लगभग बिकेंगी 260 रुपीज के एवरेज के हिसाब से। तो ये इसका मोटा मोटा लेवल पे कह सकते हैं कि क्रक्स निकलेगा डंकी का, इस तरीके से लग रहा है। कंसिडरिंग इट्स अ शाहरुख खान फिल्म, इट इज ऑन द लोअर साइड सो टू से, बट ऑन द हायर साइड इफ यू से दैट इट्स अ मूवी विच इज अ ड्रामा मूवी, तो कोई मासी मूवी नहीं है। लेकिन शाहरुख खान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो कम है। लेट नाइट अगर एडवांस बुकिंग ज़्यादा हो गई और कहीं ये 18-19 करोड़ टच कर गया तो फिर बात अलग है। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 30 से 35 करोड़ रुपीज़ की ओपनिंग लेगी। सलार की बात करते हैं, सलार का जो है 17 करोड़ रुपीज़ का ओवरसीज़ का कलेक्शन हो चुका है। जब हमने दोपहर को बात करी थी तो 15.9 करोड़ रुपीज़ के आसपास 16 तक टच कर रहा था ऑलरेडी इसका एडवांस बुकिंग। अब ऐसा लग रहा है कि रात होते होते ये 20 करोड़ रुपये टच कर जाएगा और अल्टीमेटली कल तक ये शायद 30 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच कर जाएगा। 30 करोड़ रुपीज़ का मतलब है कि ये करीबन 1.5 मिलियन टिकटें बेच देगा, करीबन 15,000 के आसपास को शोज़ मिलेंगे जैसे डंकी को मिल रहे हैं, लेकिन साउथ डोमिनेटेड होगा। फाइनल नंबर में करीबन 23 करोड़ रुपए लगभग मुझे लगता है तेलुगु मार्केट से आएंगे, मलयालम से 2 करोड़ रुपए, हिंदी भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूट करेगा 3.5 से 4 करोड़ रुपए, और बाकी कनाडा तमिल और आईमैक्स मिला के 1.5 से 2 करोड़ रुपए आएंगे। तो ये बड़ी गेम है सलार की, ये 30+ का एडवांस बुकिंग ही ले जाएगी, तो इसका मतलब है कि सलार के डे वन के ओवरसीज सब कुछ मिला के 100 करोड़ रुपए पक्के हैं। डंकी आज लेट नाइट तक क्या कुछ करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल लेट नाइट सोने के टाइम 1 बजे के आसपास, कि ये जो नंबर है जो 17 करोड़ का भी लग रहा होता हुआ क्या ये 20 टच कर पाता है। अगर 20 कर पाता है तो फिर ये 40+ की गेम हो जाएगी इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनली सब कुछ मिला के 90+ की गेम अभी लग रही है, 100 मिस होता हुआ लग रहा है इस स्पीड से। बाकी देखते हैं, आपसे फिर से गुफ्तगू करेंगे, देखते हैं कि जो ये मैजिक है शाहरुख खान का एंड में क्या टर्न एंड ट्विस्ट लेके आता है। वैसे अभी हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं, लेट्स सी कि ये रियल लाइफ में कितना लागू होता है। बाय बाय।